नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया, जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया, जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया, जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया, जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान,
former captain of Indian men's national field hockey team. After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani.
सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्कीरियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Release date, running time, countries, language, budget, box office. आप इस film की starring देख सकते हैं. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ कि मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्कीरियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Release date, running time, countries, language, budget, box office. आप इस film की starring देख सकते हैं. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ कि मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्कीरियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं.
रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a discourteous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं.
रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज 7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस prejudge. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं.
रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्टास्ट्रस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रैगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्टास्ट्रस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रैगराइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्टास्ट्रस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्टास्ट्रस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Release date, running time, countries, language, budget, box office. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस Prejudge. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स विद द स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं.
रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इनटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajni. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद स्क्रिप्ट राइटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajni. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajni. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। Release date, running time, countries, लैंग्वेज, budget, box office, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। So guys, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम. द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं.
रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्रगाइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a discourteous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाय समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट रिटन बाय जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज आप ये सब देख सकते हैं. रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Release date, running time, countries, language, budget, box office. आप इस फिल्म की starring देख सकते हैं. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ कि मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Release date, running time, countries, language, budget, box office. आप इस फिल्म की starring देख सकते हैं. So guys, इस movie के review को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे request करता हूँ कि मेरे channel को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और channel को subscribe करें. धन्यवाद. हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया. चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी. द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम. आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज. 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं.
रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। After a disastrous loss to Pakistan, Khan is ostracized from the sport owing to religious prejudice. 7 years later, in an attempt to redeem himself, he becomes the coach for the Indian national women hockey teams, with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्कीरियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम। आफ्टर अ डिस्कीरियस लॉस टू पाकिस्तान, खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years लेटर, इन एन अटेम्प्ट टू रिडीम हिमसेल्फ, ही बिकम द कोच फॉर द इंडियन नेशनल वुमेन हॉकी टीम्स, विद द गोल ऑफ टर्निंग इट्स 17 कंटीन्यूअस प्लेयर्स इंटू एन अवार्ड विनिंग टीम। द फिल्म इज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ मीर रजनी। सो गाइज, आप ये सब देख सकते हैं। रिलीज डेट, रनिंग टाइम, कंट्रीज, लैंग्वेज, बजट, बॉक्स ऑफिस, आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं। सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है चक दे इंडिया। चक दे इंडिया जो कि 2007 में आई स्पोर्ट्स फिल्म, डायरेक्टेड बाई समित अमीन एंड प्रोड्यूस्ड बाई आदित्य चोपड़ा, अंडर द बैनर ऑफ यशराज फिल्म्स, विद द स्क्रिप्ट राइटन बाई जयदीप सहानी। द फिल्म स्टार शाहरुख खान एंड कबीर खान, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन मेन्स नेशनल फील्ड हॉकी टीम।
आफ्टर अ डिस्क्रियस लॉस टू पाकिस्तान खान इज ऑस्ट्राइज्ड फ्रॉम द स्पोर्ट ओइंग टू रिलीजियस प्रीजज। 7 years later, in an attempt to redeem himself, he became the coach for the Indian national women hockey teams with the goal of turning its 17 continuous players into an award-winning team. The film is based on life of Meer Rajani. So guys, आप ये सब देख सकते हैं. Release date, running time, countries, language, budget, box office. आप इस फिल्म की स्टारिंग देख सकते हैं. सो गाइज, इस मूवी के रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.